आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बरोजे 7 जुलाई को बनलागुड़ा में EDH न्यूज चैनल की ऑफिस का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेजबान की जानिब से कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की शाल पोशी व गुलपोशी की गई। इस इफ्तिताह की तकारीब में शिरकत होने वाले हाफिज नसीर साहब मस्जिद अमूदी बनलागुड़ा इमाम मुखातिब, TRS मोहम्मद शबीर अहमद साहब याखुद कुरान मिले, TRS सीनियर लीडर मोहम्मद अब्दुल हक खमर साहब, शहर हैदराबाद एडिटर एंड चीफ MA सिद्दीक साहब, मोहम्मद जहीरुद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर शिप एंड गोट अकेडमी, मोहम्मद जहीर साहब प्लस पॉइंट एजुकेशनल अकेडमी मोहम्मद इम्तियाज, थिएटर फिल्म एक्टर आयशा मैडम, सैयदा मरियम फातिमा न्यूज एंकर, इश्तियाक अहमद SKM 91 न्यूज एडिटर इन चीफ, उमर बिन अल मसूद, उस्मान बिन शाकिर, नूरा बिनते मोहम्मद मसूद, अहमद बिन मोहम्मद मसूद, अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद मसूद और दिगर हस्तियों ने EDH न्यूज चैनल के इफ्तिताह के मौके पर शिरकत किए। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद और SKM 91 न्यूज की टीम की जानिब से EDH न्यूज ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मोहम्मद मसूद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। दिन पे दिन मीडिया सच्चाई की और हक की आवाज़ उठाते जा रही है और हर शख्स की मदद के लिए हाजिर रह रही है। आई नाज़रीन देखते हैं हमारी नुमाइंदे रिपोर्टर सैयद अरबाज हुसैन की एक खास रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने SKM 91 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, SKM 91 न्यूज। मैं EDH चैनल पे न्यूज़ चैनल का आज यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ, ये ऑफिस का। मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ। मेरा नाम सैयदा आयशा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इसके चैनल्स
काफ़ी ज़्यादा है ब्रांचेस, और यहाँ पे एक्स रोड बल्लागुड़े पे ओपनिंग हुई है आज। आप मोहम्मद भाई जो है इस चैनल के चेयरमैन, उनको भी मुबारकबादी देती हूँ। और आप लोग ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमको हर अच्छे बुरे हर चीज़ के आप यहाँ से न्यूज़ मिलती है। और आप लोग भी किसी को देना है तो ये एड्रेस पे आके आप न्यूज़ दे सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ पर बुलाए, और मेरे मीडिया भाइयों का भी बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग को घर बैठे ये चैनल्स के ज़रिए न्यूज़ मिलते हैं आपको। आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। आज यहाँ पी डी एच चैनल के ओपनिंग के सिलसिले में आना हुआ। अलहमदिल्ला ये चैनल जो है AIMIM के कॉरपोरेटर मोहतरमा के लिए इफ्तः हुआ, और भी शहर के दीगर बड़े अहबाब इसमें शामिल हुए, नुमाए कर लिया है। मोहम्मद तक नुमाई जिस मुबारक माते थे दिली मुबारक वाले थे, इनके अंदर काफ़ी सलाहियतें हैं आगे चल के बहुत अच्छा अच्छा चैनल चलाने के पास भी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की कामयाबी अल्लाह पर, और नाजरी से गुजारिश करता हूँ कि कभी चैनल आपको देखने का कभी बहुत क्या आप देखते रहिए, और जब कभी इसको देखिए सब्सक्राइब करते रहिए और न्यूज़ को स्प्रेड करते रहिए। दूसरी बात देखिए, न्यूज़ का मतलब ये होता है NEWS, इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के चौथ तरफ के जो न्यूज़ होते हैं वो न्यूज़ को जो है पब्लिक तक पहुँचाना न्यूज़ रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद साहब के अंदर ये पूरी सलाहियतें हैं, चौथ तरफ के दुनिया के कोने कोने से गोशे गोशे से जो न्यूज़ कलेक्ट करके आप तक पहुँचाने का जो ये जिम्मेदारी निभाएंगे, उनके अंदर सलाहियत होगी। और अलहमदिल्ला इसके पीछे ये जो सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे भी ये कामयाबी से चैनल चलाने के पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इनके साथ हैं, बेहतरीन कैमरा मैन साहब, बेहतरीन जो है टीम वर्क है इनका, न्यूज़ रिपोर्टर्स है, और बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ एजेंट्स के साथ आपके रवाबित है। इसका मतलब है कि आगे चल के चैनल बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना जो है मुकाम पैदा करने वाला है। तो लिहाजा सबसे पहले आपका ताउन चाहिए, ये बहुत बड़ी जो है आप गुजारिश आपसे, आप ताउन करिए, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। इसलिए अल्लाह ताला मोहम्मद साहब को कामयाब करे। जो कोई भी ये चैनल को चलाने के टीम मेंबर है, अल्लाह ताला हम सबकी ताकत और तक की मदद पाता हूँ, हर जीवन के शर से जीतने से परेशानी से बहुत से काम करता हूँ। अल्लाह शुक्रिया। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है, और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनिस्टोन। నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ్డా, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు, ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का।